हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जितना हमारा स्वरूप ये अस्तित्व बाहर दिखता है, इससे करोड़ों गुना बड़ा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में हमारा व्याप्त है। लेकिन अपने उस अदृश्य अस्तित्व से, अपने उस अदृश्य अस्तित्व और अपने सत्ता से हम अपरिचित ही रहते हैं। ये योग की साधना, ये ध्यान, ये प्राणायाम, ये उपासना, ये ईश्वर की आराधना, ये भक्ति, ये साधना हमें अपने उस विराट स्वरूप से परिचय कराती है। आओ, दोनों हाथ घुटनों पर रख, आंखें बंद कर, उस अपने अदृश्य सत्ता को, उस अपने अदृश्य शक्ति और उस अपने अदृश्य अस्तित्व को आत्मसात करेंगे जिसको हम अभी तक विस्मृत किए हुए थे। आओ, श्वास भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। आंखें बंद है, मन सहज है, प्राणों के माध्यम से मानो हम अदृश्य को, अज्ञात को, जो अपरिचित है, जो अनजाना है, उससे जुड़ रहे हैं, उस विराट को आत्मसात कर रहे हैं, ब्रह्म के साथ तद्रूप हो रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं, श्वासों के साथ उस विराट को आत्मसात करते हैं, अपने इस बाह्य अस्तित्व को मानो विस्मृत सा कर करके अज्ञात में प्रवेश करते हैं, श्वासों को भीतर धारण करते हैं। प्राण एक अदृश्य शक्ति है, उस प्राण की अदृश्य शक्ति से ही इस अदृश्य देह का संचालन होता है। ओम ओम का ध्यान करते हुए हर श्वास के साथ प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करते हुए अब प्राणायाम करें, आज नहीं, हर दिन ही। ओम 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 ओम। एक लय के साथ कर रहे हैं भस्त्री का प्राणायाम, ओम ओम का ध्यान। असीम अनंत अपरिमित सर्वव्यापी सत्ता और शक्ति का आह्वान श्वासों के साथ करते हैं। एक एक श्वास के साथ मानो भीतर यजन करते हैं, जीवन को यज्ञ बनाते हैं, पुरुषो वाव यज्ञ, जिससे जीवन सुगंधित सुरभित हो उठे, जीवन उत्सव बन जाए, महकने लगे जीवन। इस हृदय में अजस्र प्रेम करुणा की धारा बह उठे, आंखों से उस भगवान के रूप को निहार सके, हर पशु में, हर पक्षी में, हर प्राणी में, जितने भी चर चर थल चर नभचर हैं, उन सब के भीतर खिलते हुए पुष्पों में, महकती हुई कलियों में, झूमते हुए वनों में, उपवनों में, निर्झरित होते हुए झरनों में, सूरज में, चांद में, आकाश में छाई हुई घटाओं में, अंधेरों में, प्रकाश में, दिन में, रात में, हर पल भगवान को महसूस कर सके। प्रतिपल जो है हमारे साथ ईश्वरी सत्ता, ईश्वरी शक्ति, उसी में हम खोए रहे, ब्रह्म के होकर कीजिए। जो करें सब भगवान की पूजा रूप हो जाए, जो जो देखें उसी में भगवान का स्वरूप नजर आए, जो धारण करें सब भगवान का प्रसाद रूप हो जाए। कभी अकेलापन आए जिंदगी में, यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि मैं और मेरा प्रभु सदा एक साथ रहते हैं। श्वासों के साथ मानो
उस विराट को आत्मसात करते हैं। जब भी भस्त्रिका प्राणायाम आप करें प्रतिदिन, ये आज की घटना नहीं, हर दिन जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तब मानो आप सारी दैवी शक्तियों से आशीष पाते हैं। मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु हमें आशीष देते हैं। हमारे आसपास विद्यमान प्रकृति की अदृश्य शक्तियां हमारी चेतना को उन्नत करने में हमारी मदद करती है। इस तरह से प्रतिदिन ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लेना। अब बढ़ जाते हैं आगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हमने भस्त्रिका प्राणायाम से शक्तियों का संचय करना है। हमारे पांच प्राण, हमारे पंचकोश, हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, हमारा स्थूल सूक्ष्म देह सबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, उन्नत हो जाता है भस्त्रिका से। अब कपालभाति प्राणायाम करके भीतर की अशुद्धि का क्षय करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, श्वासों को बाहर छोड़ रहे। जन्म जन्मांतरों से छाए थे अंतर पर जो अंधकार के बादल, जो छाया था भीतर अंधेरा, काया में माया ने जो डेरा डाल लिया था, उससे आ गए थे जो रोग जो व्याधियां, भीतर के सब क्लेश क्षीण हो रहे हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है, फिर ईश्वर की प्राप्ति तो सहज ही है। बस जैसे ही अंधेरा छटा तो प्रकाश तो वहां मौजूद ही था, कहीं बाहर से आयातित नहीं करना होता उसको। श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ते छोड़ते हम मौन हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, अपने ही केंद्र से जुड़ जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ना एक माध्यम है मौन होने का, अज्ञात में उतरने का। कपालभाति प्राणायाम व्याधि निवारण की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक वे है हमारे बॉडी की टोटल डिजीज को मिटाने का। कपालभाति प्राणायाम, इसमें हमारे शरीर का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर प्राण का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें मन का लय होता है, बुद्धि का लय होता है, शरीर मन प्राण आत्मा, इन सब का सहयोग परस्पर होता है। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं हम, नॉन स्टॉप आप 5 मिनट कर सकेंगे। जो पहले थक भी रहे थे, अब उनकी भी ऊर्जा जाग उठी है, वे भी 5 मिनट कर लेंगे। कपालभाति प्राणायाम से हमारी सारी आंतरिक प्रक्रिया में आया हुआ असंतुलन मिट जाएगा। कर रहे हैं, सांसों को बस बाहर छोड़ रहे हैं। मूलाधार में ध्यान करना, मूलाधार से एक ज्योति, एक शक्ति, एक आभा, एक आलोक उठ रहा है और वह पूरे देह में व्याप्त होता जा रहा है।
तुम करते करते महसूस करोगे कि सब कुछ आलोकित हो गया, सब कुछ प्रकाश में हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, तेजो में हो गया, प्राणों में भीतर तक एक अलौकिक स्पंदन सा होने लगेगा। भीतर तक एक आनंद की, शांति की स्फुरा होने लगेगी। भीतर तक एक गहरा सन्नाटा मौन होगा और उस मौन में मुखरित होती है आत्मा। पूर्ण मौन में उतरता है समाधान। पूर्ण मौन का दूसरा नाम ही है शांति। और हर आदमी ही बहुत गहरे मौन में उतरना चाहता है, चाहे वो निद्रा के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो। ये सारे बाह्य आलंबन जिसको हम कहते हैं कि हम ऐसा करके सुखी हो रहे, ये हम इस मौन तक ले जाते हैं। यहां तक कि दुनिया की भी जो भोग है, आदमी वो दृश्य देखना चाहता है, बस देखता 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 जहां ठहर जाए और कह उठे क्या अद्भुत सौंदर्य है, क्या छटाएं हैं। वह मौन होता और कुछ भी नहीं, सुनता सुनता वो सुनना चाहता है जहां सुनता सुनता मौन हो उठे। पूर्ण मौन का नाम ही है तृप्ति, पूर्ण मौन ही का नाम है शांति। वो खाना चाहता है, खाते खाते वो मस्त हो जाए, चाहे वो वासना का भी सुख है। दुनिया के सब सुख आदमी को मौन की ओर लेके जाते हैं और एक इशारा करते हैं, ए मनुष्य, सुख चंचलता में नहीं है, सुख वासना में नहीं है, सुख उसी को है जो पूर्ण मौन हो गया, जो सहज हो गया, जो शांत हो गया। ये प्राणायाम कपालभाति दैहिक रोगों को मिटाता है, ये पहली बात है। इससे मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, विश्राम रुक चाहिए। एक बार जरा सांसों को ही देखना, ये भी एक साधना है। आंखें बंद कर लेना, अभी तो तुम एक मिनट में 60 बार छोड़ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही तुम शांत होकर के, दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के प्राणों को, श्वासों को देखते हैं, श्वासों की गति शांत सी हो जाती है। तो महसूस करना प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक। एक मिनट में अधिकतम तुम्हारे 3 से 4 श्वास चलेंगे। जो लंबे अभ्यासी हो गए हैं प्राणायाम के, उसका एक मिनट में एक ही श्वास चलता है, माने एक बार गया और एक बार आया। और यही हमारी दीर्घ जीवन का, दीर्घ आयु का, यही हमारे बॉडी के एक ठीक से मेटाबॉलिज्म का एक मानदंड है। बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म उन्हीं का ठीक होता है जिनका मन शांत, स्थिर, सहज। आओ एक बार फिर से करते हैं इस प्राणायाम को। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे एक लय के साथ, जिसका जितना सामर्थ्य हो, रुकना नहीं बीच में, 5 मिनट तक लगातार करना। कैसे? और श्वासों को बाहर छोड़ते पैर की एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे विकार बाहर निकल रहे हैं, ऐसे भाव से करना। श्वास
श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते तुम अपने आप सहज शांत मौन हो जाते हो। इसमें मूलाधार में मणिपुर चक्र में हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा या सहस्रार किसी एक चक्र में ध्यान करना, प्राणायाम से अपने आप ध्यान होने लगता है, समाधि लगने लगती है, व्याधियां तो मिटती ही मिटती है। प्राणायाम के बाद में योग में उससे अगली अवस्था है स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार देश बंध चित्तस्य धारण तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम तदेवार्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों से इंद्रियां विनिवृत्त हो जाती है, इंद्रियों का मन में लय हो जाता है, मन का प्राण में लय हो जाता है, हम प्राण के साथ तन में तल्लीन तद्रूप से हो जाते हैं, फिर हम प्राण से भी पार प्राण से भी परे हम चैतन्य भाव से आत्मभाव से जुड़ जाते हैं। आत्मा मने आनंद, आत्मा मने शांति, आत्मा मने प्रेम, आत्मा मने करुणा, आत्मा मने दया, ये आत्मा के गुण हैं। इन गुणों की अभिव्यक्ति होती है, यही आत्मा की प्रतीति है, यही उस आत्मा की सत्ता का अर्थ क्या है। आत्मा का दूसरा ही नाम है दया, माने जहां दया है वह वहां आत्मा है। दया प्रेम करुणा ममता वात्सल्य श्रद्धा समाधान ये हमारे आत्मा के गुण हैं। ज्ञान भक्ति उपासना ये हमारे सहज ही गुण हैं। बस ये प्राणायाम तो जो था उसको महसूस करवा देता है। तो प्रत्येकतानता ध्यानम एकतानता अपने ही स्वरूप में अवस्थिति। मेरा स्वरूप क्या है प्रेम, मेरा स्वरूप क्या है करुणा, मेरा स्वरूप क्या है शांति। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि अहम् ब्रह्मास्मि त्वत्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानं ब्रह्म योऽसौ सो अहमस्मि। ये इसका अर्थ ही यही है। प्राणायाम करते 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 पूर्ण मौन विश्राम रुक जा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।